अल्लाह फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी क्विक एंड ईजी रेसिपी मैंगो आइसक्रीम की और एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ एग फ्रेंकी की जो कि आप बना सकते हैं बची हुई रात की रोटी के साथ या फिर आप दोपहर में जैसे रोटी बच जाती है और रात को समझ में नहीं आता तो उसका क्या यूज़ किया जा जाए तो आप ये एग फ्रेंंकी बना खा सकते हैं तो यहाँ पे दो अंडे ले लिए मैंने उसमें डाला है कटा हुआ प्याज कटी हुई ग्रीन चिली और डालने में कुछ मसाले डालेंगे जैसे कि इसमें रेड चिली पाउडर डाला है मैंने तकरीबन क्वार्टर से करीब और दो चुटके करीब डाला है मैंने काली मिर्च का पाउडर और एक चुटके के करीब डाला है मैंने हल्दी और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से तो डालेगा दो, दो अंडों के हिसाब से तो जितना नमक आप डालते हैं उतना डाल के उसे अच्छे से बीट कर लीजिएगा यानी कि फेंट लीजिएगा फिर आप निकालेगा रोटी जो कि लेफ़्ट ओवर होगी रात की बची हुई होगी या फिर दोपहर की बची हुई वो निकाल कर रख लीजिएगा और फिर फ्राई पैन में डालेगा ऑयल या घी आप जो भी पसंद करते हैं वो डाल के दो चम्मच के करीब टू टीज के करीब और उसे रख देगा हाई फ्लेम पर और फिर हम डालेंगे फेटा हुआ अंडा उसके अंदर और फैला लेंगे पूरे पैन को अच्छे पैन उतना बड़ा लीजिएगा जितनी बड़ी रोटी है आप उतना ही बड़ा पैन होना चाहिए फिर अंडा डालने के बाद उसे फैलाने के बाद ऊपर से हम रख देंगे रोटी और रोटी रखने के बाद उसे अच्छे से दबाएंगे प्रेस करेंगे ताकि जो अंडा है वो रोटी पर चिपक जाए और उसे तकरीबन मीडियम फ्लेम पर एक से दो मिनट तक दबाते हुए सेकना है ताकि नीचे का जो हमने अंडा डाला है वो अच्छे से पक जाए फिर पलट के आप रोटी को भी सेक लीजिएगा और जो हमने लगाए थे रोटी पर अंडा वो भी इसी तरह सेक जाएगा तो एक से दो मिनट आपको लगेंगे इस चीज़ में और फिर आप इसमें एक डिप जो मैंने अभी तैयार किया है वो लगा सकते हैं इस डिप को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया था मेयोनीज़ टू टेबल स्पून के करीब टोमेटो कैचअप ली थी रेड चिली सॉस ली थी तो ये तीन चीज़ें ली थी बस इसको मिक्स करके लगा देते हैं रोटी के ऊपर ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए वरना तो हम अंडे में सारे मसाले डाल रखे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं लेकिन आप चाहते हैं एक्स्ट्रा पंच एक्स्ट्रा टेस्ट तो आप बना सकते हैं ये डीप और यूज़ कर सकते हैं अपने एग फ्रेंकी में तो ये डिप लगाने के बाद आप इसको रोल करिएगा कट कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा अपना एग फ्रेंकी या तो ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं क्योंकि बिल्कुल भी नहीं लगेगा बनाने के बाद कि आपने ये बची हुई रोटी के साथ बनाया है अब दोस्तों एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूं जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है अभी तो मैंने खैर इसका यूज़ नहीं किया है लेकिन मुझे मेरे दिमाग में काफ़ी आइडियाज़ हैं इसका यूज़ करने के उसमें मैं केक भी बनाऊंगी चॉकलेट आइसक्रीम बनाऊंगी मतलब चौको बार जो आती है वो बनाऊंगी मैंगो बार बनाऊंगी कुल्फी बनाऊंगी और बहुत मज़े मज़े की आइसक्रीम आपको देखने को मिलेंगी इस मोल्ड के साथ तो मेरे आने वाले वीडियोस को आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल सकते हैं अगर आपके घर में ये वाला मोल्ड है तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी की तरफ तो यहाँ पर मैंने लिया है दो आम लिए थे जिसका मैंने पल्प लिया है वो मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल दिया था उसके बाद इसमें दो कप के करीब मैंने घर की मलाई डाली है जो ठीक मलाई होती है घर की वो डाल सकते हैं कंडेंस मिल्क डाला था आधे कप से थोड़े से ज़्यादा ताकि मिठास थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है हमें आइसक्रीम जब हम बनाते हैं तो ताकि जब वो चिल्ड होकर आए तो बैलेंस रहे मिठास इस वजह से हम जो मिठास है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसे डाल दिए गए एक एयर टाइट कंटेनर में और अच्छे से टैप टैप कर लीजिएगा मतलब थोड़ा सा इसको पे कर लीजिएगा थप थपा लीजिएगा ताकि नीचे एयर बबल्स ना बने ऊपर से आप कुछ भी डाल सकते हैं कलरफुल वर्मिसेली हो या फिर चौको चिप हो या कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ही क्यों ना हो ये डाल के और इस पर क्लिंग रैप लगा दीजिएगा ताकि इसमें जो शुगर क्रिस्टल बन जाते हैं फ्रीजिंग के टाइम वो ना बने बस क्लिंग रैप लगाने के बाद इसे ढक्का छोड़ दीजिएगा फ्रीज़र में छः से आठ घंटे मैक्सिमम उसके बाद ये बहुत ही यमी सी आइसक्रीम रेडी होगी ज़्यादा हार्ड नहीं होगी बहुत ईजीली निकाल आएगी इसकूप आउट हो जाएगी और फिर आप बोल में निकालिएगा ऊपर से चाहे तो ड्राई फ्रूट्स और डाल सकते हैं लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके जो फ्लेवर है मैंगो का होता है ना कि ड्राई फ्रूट्स के या फिर जो भी चीज़ हमने डाली है वो बस जस्ट फॉर गार्निशिंग के लिए होता है अदरवाइज़ जो टेस्ट होता है वो उसका रियल मैंगो का होता है तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी अभी हाल ही में मैंने चौकट चिप परचेज़ किए थे ऑनलाइन तो उसके साथ ये छोटे छोटे से पैकेट फ्री मिले थे मुझे वर्मा सैली के तो मैंने सोचा कि ये जो बॉटल है वर्मी सैली थी इसमें कलरफुल तो वो खाली हो गई थी तो सोचा कि ये पैकेट्स उसमें ही डाल कर रख लूँ वरना इधर उधर हो जाएंगे खो जाएंगे मुझे बाद में मिलेंगे भी नहीं तो बस मैंने सोचा कि काम भी अभी निपटा लिया जाए तो ये देखिए दो पैकेट में इस क्वार्टर कप के करीब क्वार्टर बॉटल भर गई है और यहाँ पर एक आया था उमरा कर कर आए थे मेरे रिश्तेदार तो वहाँ से लाए थे ये पैकेट उम्र करके जब आए थे तो इसमें दो चार चीज़ें निकली थी जैसे कि डेट्स का जो पैकेट निकला था खजूरों का पैकेट था अभी समसंग थी बॉटल थी छोटी वाली और एक फिंगर काउंटर था और एक टोपी थी चार चीज़ें निकली थी इस पैकेट में फ्रेंड्स किचन में काफ़ी दिनों से रखे थे ये वालनट हस्बैंड जी देकर गए थे लेकिन मैं मुझे टाइम ही नहीं मिला कहीं इसमें से मैं गिरी निकाल लूँ तो आज टाइम था तो सोचा कि इसकी गिरी निकाल कर रख लूँ लेकिन मेरे पास कुछ कंटेनर ही नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कि जो उम्र का जो कंटेनर आया था इसका सामान तो हमने रख लिया था अब ये कंटेनर खाली था तो सोचा इसमें वॉलट रख दूँ सेफ भी रहेंगे और तो इसमें मैंने सारे वॉलट की गिरी निकाल कर रख दिया फ्रिज तो में अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी निकालूंगी यूज़ कर लूँगी तो इस तरह के कंटेनर आप फेंका मत करिए मतलब इन्हें ही यूज़ कर लिया कीजिए क्योंकि ये भी फूड कंटेनर ही होते हैं और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ गोंद कतीरा का जो कि ठंडा गोंद होता है दो तरह के गोंद होते हैं एक तो ठंडा एक गर्म गर्म जो होता है वो आम गोंद होता है जो कि हम सर्दियों में लड्डू वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं और एक ठंडा होता है कतियारा गोंद कतियारा शायद आपको मालूम ना हो लेकिन ये बिल्कुल इसकी तासीर और बिल्कुल ठंडी होती है और गर्मियों में काफ़ी यूज़ किया जाता है तो अगर आपको ज़्यादा ही गर्मी लगती है बॉडी हीट है तो उसको बीट करने के लिए ये बेस्ट है थोड़े से दो चार आप एक चम्मच के एक दो चम्मच के करीब भिगो दीजिएगा एक आ, कप पानी में या एक कटोरी ले लीजिएगा उसमें पानी डालेगा उसमें डाल दिएगा दो चम्मच के करीब गोंद का तीरा और छोड़ दिएगा दो घंटे के लिए दो घंटे में ये इस तरह फूल जाती है पूरी कटोरी भल, भर भर जाएगी आपकी फिर आपको एक चम्मच लेना है एक गिलास के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर तो मैंने रूह अफजा डाला है आप डालें शरबत को ऐसा भी बनाएं उसमें एक चम्मच डाल दीजिएगा और बहुत ही ठंडी तासीर होती है इसकी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके आस मिलता है तो और मार्केट में कर गई थी तो मुझे आड़ू नजर आ गए मतलब ये पीचेज़ तो का दिल करने लगा लेने का तो मैंने सोचा कि खरीद लूँ लेकिन अभी काफ़ी महंगे है क्योंकि अभी शुरुआत हुई है तो इतने सस्ते नहीं हैं काफ़ी महंगे मिल रहे हैं फिर आ गए मैं के रूम में रूम में देखा तो दोनों ड्रॉर के मैंने चीज़ें निकाली सब बिखरी पड़ी थी मैंने सोचा आज इनको सही कर लिया जाए वैसे तो कैबिनेट्स मैंने सही कर ली थी कैबिनेट्स के ऊपर दो ड्रॉर लगी हुई हैं वो मैं आज सही कर रही हूँ तो दोनों ड्रॉर्स का सामान मैंने निकाल लिया था बेड पर और इसमें मैंने न्यूज़पेपर लगा रखे थे वो मुझे निकाल कर फेंकने थे क्योंकि काफ़ी पुराने हो गए थे फट भी गए थे गंदे भी हो रहे थे तो पहले ये न्यूज़पेपर निकाल कर मैंने ज़ाया कीजिए मतलब बता फेंक दिया उन्हें और फिर अच्छे से मैंने स्प्रे कर कर ड्रॉवर को साफ़ किया है अब यहाँ पर देखें मैंने बिल्कुल सेट कर ली हैं चीज़ें सेक्शन बना लिए हैं क्लिप का अलग रबर बैंड के अलग मेकअप का सामान का अलग और मेरी जो बैंगल्स थी वो मैंने अलग रख दी हैं तो यहाँ पर मैंने सेट कर लिए हैं दोनों ड्रॉवर अब बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं ड्रॉर्स वरना तो बच्चों के हाथ में लगे रहती हैं तो सब गटबट हुआ हुआ था मामला मेकअप का सामान सब मिक्स हुआ हुआ था क्लिप और रबर बैंड के अंदर फिर शाम के टाइम हम गए थे पार्क धूप भी थी और थोड़ी सी छा मतलब ठंडी हवा भी चल रही थी इतनी गर्मी नहीं थी तो मैं यासर अनाया को ले गई थी पार्क ये घर के पास ही मौजूद है झूला पार्क इसे कहते हैं जिगर कॉलोनी में मौजूद है अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा कितना अच्छा ये बच्चों के लिए ठीक है तो मैं भी चली गई थी अपने बच्चों को ले के लेकिन धूप काफ़ी हो गई थी एकदम बढ़ गई थी हमारे जाने के बाद तो हम वापस आ गए थे ज़्यादा रुके नहीं थे तकर बस आधा घंटा ही रुके होंगे तो वापस आ गए थे और फिर जब हम वापस आए तो अनाई की चप्पल टूट गई थी तो फिर मैं उसी दिन शाम को मैं गई थी मार्केट अनाया की चप्पल लेने के लिए तो ये दो वहाँ से चप्पल लेकर आई थी अपने लिए ये शूज़ लेकर आई थी इस तरह के तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ यहाँ से मुझे दिखाने ही नहीं दे रहे वीडियो में कि आपके साथ देखा आपको दिखाऊँ कि किस तरह की ये स्लीपर लेकर आइए तो वन फिफ्टी की ईच पड़ी मतलब तीन सौ रुपये की यहाँ पर दो मिल गई इंडिया में और अपने लिए घड़ी भी ली थी डिजिटल वाली तो नायक की शॉपिंग हो गई है